हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा और आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी की। ये इसका जो नाम है वो नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक, बहुत ही बेसिक बातें बताती है, और विश्वास करिए अगर आपने ये सेशन किया तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़ने की जो एक तरीका होता है ना, वो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि यूपीएससी में हमें कैसे करना है, और बहुत बढ़िया ढंग से, मतलब जिससे हम क्या कहें उसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ अपने सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, कोई भी, है ना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और बस सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें जो पॉलिटी है हमारी क्लास 6 की, उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो वो हमें क्या बताती है? कुल मिला के 4 इकाइयों में ये पूरी पुस्तक है। इकाई में पहली इकाई है विविधता, वो हमें डाइवर्सिटी बताती है कि कितना डाइवर्सिटी, मतलब कितना विविधता है। दूसरा, वो हमें गवर्नमेंट के बारे में बताती है। तीसरा, स्थानीय सरकार और उस प्रशासन। और चौथा है आजीविका। ठीक है, तो चलिए हम लोग इकाई दर इकाई शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी बहुत ही बढ़िया, मतलब रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखिए आगे। तो बात करते हैं विविधता की। देखिए, जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 6 की, वो बहुत ही बेसिक बात बताती है कि विविधता की समझ क्या है, विविधता में भेदभाव कैसे होता है, ये सब बातें एकदम बेसिक नॉलेज है ना। तो चलिए देखिए, विविधता को वो 2 पार्ट में तोड़ती है। पहला है विविधता की समझ, और दूसरा है विविधता एवं भेदभाव। मतलब विविधताएं तो हैं, लेकिन उन्हीं विविधताओं से भेदभाव का भी जन्म हुआ है भारत में। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, या यूपीएससी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बना लेता है उसमें कहता है कि भारत में विविधताएं तो हैं लेकिन विविधता से भेदभाव भी बहुत उत्पन्न हुआ है, टिप्पणी कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो वहाँ पे हमें कैसे है, तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले विविधता की समझ, मतलब विविधता है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, विविधता मतलब होता है कई चीज़ों का समन्वय। उसमें क्या क्या आएगा? खान पान, जैसे हम जानते हैं भारत के कई जगहों पर खान पान बहुत अलग है, तो वहाँ पर। दूसरा, पहनावा। तीसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जैसे कि हमारे यहाँ 8 धर्म हैं और लगभग 100 से ज़्यादा नृत्य। तो ये हमारी क्या है, एक धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है जो हम विविधता के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरह खान पान की बात करें तो आप भी जानते हैं, खिचड़ी एक ऐसी बेसिक सी चीज़ है जो पूरे देश में कहीं ना कहीं हर जगह बनती है। उसी हिसाब से उसकी अलग अलग विविधताएँ हैं। पहनावा है ना, कपड़े हम सब पहनते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो दूसरा, दक्षिण भारत में जाएंगे तो दूसरा, उत्तर भारत में दूसरा, तथा आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो कुछ और। तो ये ज़बरदस्त आपको पहनावा में भी एक विविधता दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर भाषा की बात करें तो भारत में ही, सिर्फ भारत की बात हो रही है, लगभग 1600 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, ऐसा क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। अगली बात कहा जाता है कि जाति व्यवस्था। ये सब चीज़ों को अगर मिला लें तो हमें ये पता चलेगा कि विविधता है क्या, जिसमें एक ही जो समूह है वो क्या कर रहा है। जैसे मनुष्य एक समूह है ना जाति का, तो वो क्या कर रहा है, खान पान में अंतर है, पहनावे में अंतर है, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर है, भाषाओं में कितना अंतर है, जातीय व्यवस्था में कितना अंतर है। तो ये सब हमारी क्या है, विविधता है। अब आगे एनसीईआरटी कहती है, वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे जो हो, चाहे खाना खाना हो, कुछ भी हो, बस हमारे जो करने का तरीका है वो अलग अलग है। अब जैसे मैंने क्या बोला, खिचड़ी यह एक बेसिक सी चीज़ है लेकिन हर जगह अलग अलग बनती है। ठीक उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, आप जानते होंगे मिठाइयाँ, भारत की मिठाइयों की विविधता तो बहुत अलग है, हर जगह मिठाई एक ही टाइप की लगेगी लेकिन उसका नामकरण बहुत अलग है। ठीक, चलिए अब आगे लिखा है, भौगोलिक स्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों, ऐतिहासिक कारकों में से हमें उस स्थान की विविधता का समझ होती है। मतलब 3 बातें ये बता रही है मेजर रूप से, ध्यान रखिएगा। पहला, भौगोलिक स्थितियाँ,
मतलब उस समाज की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस वजह से भी वहाँ विविधता आती है। दूसरा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी संस्कृतियाँ कैसे डेवलप हुई हैं, ठीक। और तीसरा है ऐतिहासिक कारक, मतलब उस जो वो विविधता आई है, कहीं ना कहीं तो उसकी शुरुआत हुई होगी। अगर जहाँ शुरुआत हुई है तो वहाँ के कारक क्या रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या रही है, और वहाँ की सांस्कृतिक मतलब मान्यताएं क्या रही हैं, इस आधार पे हम विविधता को समझ पाते हैं। तो क्लास 6 सी जो एनसीआरटी है वो बहुत बेसिक सी बात, 3 बातें हमें बता रही है कि अगर किसी स्थान की विविधता समझनी है तो 3 बातों का ध्यान रखना है, एक भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक कारक। मुझे लगता है जब भी आप आंसर राइटिंग विविधता पे लिखें तो ये बातें आप ज़रूर रखें। देखिए मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने से, इस एनसीईआरटी को पढ़ने से कई लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना, ये जितना मैं ये दे रहा हूँ, एक पेज का है कुल, मतलब एक पन्ने का है, तो इसके अंदर जितनी बातें हैं ना, उस उन्हीं बातों से आप बहुत कुछ डेराइव कर पाएंगे। जब बहुत कुछ आप डेराइव कर पाएंगे तो आपका जो एस्से राइटिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। क्यों देखा जाता है कि एस्से राइटिंग में हमेशा जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है वो हिंदी मीडियम के छात्र से कहीं ना कहीं पीछे रहता है, ऐसा देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम का छात्र लीड कर रहा है। रीज़न है क्योंकि एनसीईआरटी की खूबी इतनी अच्छी है ना कि यहाँ पे आप अपने बातों को पढ़ने के बाद कई सारी चीज़ें इंक्लूड करके बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए विविधता आई तो आप ये 3 बातें बहुत अच्छे से डिराइव करके बता सकते हैं। अब देखिए एक खास इम्पॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में ही था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में कहा, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं का स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखिए ये पॉइंट अगर आपको मिला, आप एस्से में कहीं कोट कर देंगे तो सीधी सी बात है, जो आपके मतलब एस्से की रौनक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं, तो इस बात को हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए आगे क्या लिखा है, फिर जवाहरलाल नेहरू ही बताते हैं कि भारत की जो विविधता है वो क्या है, अनेकता में एकता, ठीक। फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा क्या लिखा है। देखिए जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत की खोज, उसमें उन्होंने कहा भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, किसमें, जो हम लोग अलग अलग, जो भी हमारी अलग अलग विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, उनको स्वीकार करने की जो भारत की भावना है ना, यही तो इसको विविध बनाती है, सबसे अलग बनाती है। हम क्या करते हैं, जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, जैसे भारत में 8 धर्म हैं, 8 धर्मों में हम कहते हैं आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, चलिए दोनों मिलके कुछ और बेहतर करते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, इसी वजह से विविधता बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि हमने उस चीज़ को स्वीकार किया है। ये कहीं बाहर से नहीं आई है, यहाँ के लोग इतने सहिष्णु हैं, मतलब किसी चीज़ को सहने की उनकी क्षमताएं ज़बरदस्त हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो विविधता है वो कैसी है, अनेकता में एकता है, ठीक। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हमें बहुत बखूबी इस बात को समझाती है। ये अब हम आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में बात कही गई है कि विविधता और भेदभाव ये जन्म क्यों लेता है। यह तब विकसित होता है जब हम पूर्वाग्रह से पीड़ित होते हैं। पूर्वाग्रह मतलब हो गया कि पहले से ही मेरी कोई मान्यता है और उस मान्यता को मैं बदलना नहीं चाहता, ये होता है पूर्वाग्रह। तो विविधता और भेदभाव कब आएगा, जब हमने कोई पूर्वाग्रह बना लिया है और वह लगातार हमें परेशान कर रहा है। जैसे कोई रूढ़िबद्ध धारणा, हमने सीधी सी बात है ना, जैसे धार्मिक अंधविश्वास जो लगातार अगर चलता आ रहा है, जो समाज को लगातार दुख दे रहा है, लेकिन उसमें विश्वास माना जा रहा है। अगला, चमड़ी का रंग या लिंग, ठीक, इसके आधार पे पहनावा या बोली आदि के स्थान पे। अब इन सब बातों से क्या परिणाम निकल के आएगा, आप बताइए ना, क्या परिणाम निकल के आएगा। जो परिणाम निकल के आएगा वो हमेशा नकारात्मक होगा। कैसा होगा, नकारात्मक होगा, ऐसा कौन कहता है, एनसीईआरटी। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित हूँ तो जो भी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं मेरी, जो भी मेरा अंधविश्वास है,
जो भी मैं चमड़ी के रंग या लिंग को लेके जो भी मेरी जो पूर्वाग्रह मेरे अंदर समाया हुआ है, जो भी पहनावों को लेके मेरे या बोली को लेके मेरे अंदर समाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये कहीं ना कहीं समाज में हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण देंगी और इससे समाज में भेदभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एनसीईआरटी आगे क्या कहती है। आगे कहती है इसका सकारात्मक परिणाम कैसे आएंगे। ये चीज़ें एग्जैक्टली एनसीईआरटी में खुल के नहीं लिखा है, लेकिन मैंने वहाँ से निकाला है कि कैसे हो सकता है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि सकारात्मक परिणाम हम कैसे लाएं। नंबर एक, असमानता को दूर करके। सीधी सी बात है, असमानता हमें दूर करनी होगी, जो भी ऊंच नीच भेदभाव है उसको दूर करिए। दूसरा, रूढ़िबद्ध धारणा को दूर करके, जैसे अछूत, यह ऑलरेडी हमारी एक बहुत ही गंदी अवधारणा रही है भारत समाज की, तो इसको कहीं ना कहीं हम दूर कर रहे हैं, जैसे संविधान में हमारा कहता है आर्टिकल 15। ठीक, ये सब आप आगे जब हम क्या करेंगे ना, आंसर राइटिंग जब करेंगे, तो ये चीज़ें लिखने के बाद आप आर्टिकल कोट कर सकते हैं, तभी तो आपको आंसर मतलब नंबर मिलेंगे ना। यही करना है, ये सब तो बेसिक बातें हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या पुट देते हैं इम्पॉर्टेंट, वो होता है आंसर राइटिंग में, वो भी हम लोग कभी सीखेंगे। चलिए आगे बात करना है, गरीबी दूर करके, विविधता को मूल्यवान बना के, भारत के संविधान की दृष्टि से। बिल्कुल, क्योंकि भारत का जो संविधान है ना, वो हमेशा किसकी बात करता है, अनेकता में एकता की। इस वजह से वो क्या करता है, सकारात्मक परिणाम लाने में हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अब आप देखिए ना, हम क्या मना रहे हैं, 75 वर्ष का महोत्सव। सीधी सी बात है, हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया और हमारा संविधान अभी भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय पर था। तो कहीं ना कहीं जो भी संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सच में जबरदस्त है कि नहीं। चलिए आगे, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में ला के। सीधी सी बात है, तभी तो असमानता दूर होगी और तभी सकारात्मक परिणाम आएंगे। अगला, वंचितों को विशेषाधिकार देखें। सीधी सी बात है, देखिए DPSP में कहा गया है कि हम आरक्षण दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं कि नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये हमारा जो पहला चैप्टर था विविधता, उसके दो चैप्टर थे, एक था कौन सा, विविधता की समझ, और दूसरा है विविधता एवं भेदभाव। ये दोनों चैप्टर हमारे खत्म हो गए। ठीक, अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है सरकार। देखिए मैं फिर से कहूँगा, क्लास 6 की NCERT है, ठीक, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं, बहुत सारी कहानियाँ ऐड की गई हैं कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ UPSC में उन कहानियों का तथ्य जीरो है, उसको नहीं लेके पढ़ना है, ना उसको आप कहीं नोट कर पाएंगे ना लिख पाएंगे। नोट्स आपको ऐसा होना चाहिए जो सटीक उत्तर दे, जैसा मैंने बनाया है। ठीक, एज इट इज़ आप बना लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF आपको वहीं मिलेगी। चलिए आइए अब आगे देखते हैं, अब आगे बात करेंगे हम लोग अगली इकाई की जिसका नाम है सरकार। अगर सरकार की बात करें तो सरकार यहाँ दो पक्ष की बात करता है NCERT क्लास 6 की। पहला पक्ष बात करता है सरकार क्या है, और दूसरा, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके मुख्य तत्व क्या हैं। ठीक, ये दो बातें मुख्य रूप से NCERT बताती है। अब पहली बताती है सरकार क्या है। अब देखिए क्या बोलता है, सरकार वह है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, सरकार वह है जो दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए, नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें, ये सरकार का ही काम है। अगला, जो कानून बनाए, ये सब जो हैं ये कार्य किसके हैं, सरकार के हैं। तो यही है सरकार, जो ये सब काम करती है वही सरकार है, किसके अकॉर्डिंग, क्लास 6 की NCERT के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है कि सरकार के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो लोकतांत्रिक, जहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, मतलब जो चुन के लोग जाते हैं, जैसा अपनी सरकार है, क्योंकि भारत सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनाव के माध्यम से हम चुनते हैं, और वही जाके हमारे ऊपर शासन करते हैं, मतलब कानून के जरिए। ठीक है, अगला, राजतंत्रीय, इसमें निर्णय कौन लेगा, राजा और रानी। शायद आज की दुनिया में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ देश हैं जहाँ अभी भी राजा रानी सिस्टम चल रहा है, जैसे आप जानते हैं इंग्लैंड। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके मुख्य तत्व क्या है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके स्टैंड करता है। नंबर 1, भागीदारी, किसकी भागीदारी, लोक भागीदारी, जन लोक की, है ना,
जन लोग दो तरह से भागीदारी दे सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार में। पहला, रुचि लेकर, मतलब हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बेहतर करिए। दूसरा, उसकी आलोचना करके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिलर, जो तीसरा पिलर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। को क्या? वो है विपक्ष। तो विपक्ष का होना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार की आलोचना कौन करेगा? अगर सरकार कुछ गलत भी कर रही है तो अगर उसको हम रुचि लेने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्या है, लोकतांत्रिक देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। इसीलिए आलोचना करना ही लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान रखिएगा, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है या लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें आलोचना सबसे बड़ी बात होती है। बिना आलोचना के कोई भी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती। अगर मैं हर चीज़ में हाँ हाँ बोलूँगा तब तो तानाशाही आएगी, सीधी सी बात है। अब अगली बात करते हैं, विवादों का समाधान। अब लोकतांत्रिक सरकार का क्या काम है? वो क्या करती है? विवादों का समाधान भी करती है। जन भागीदारी रहेगी तो जन के जो विवाद हैं उसका समाधान भी करने का जो हक है वो लोकतांत्रिक सरकार के पास है। तो कैसे समाधान हो सकते हैं? नंबर एक, संस्कृतियों के, क्षेत्रों के, धर्मों के, आर्थिक या फिर नदियों या कोई भी अन्य जो भी हो, न्याय प्रणाली किसी भी टाइप का, क्योंकि आप भी जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं सरकार का ही हिस्सा है। ठीक, गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, ऐसा क्लास सिक्स की एनसीईआरटी कहती है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बात करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार का जो अगला तत्व है वो है समानता और न्याय। किस चीज़ की समानता की बात करता है? शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कानून की, यातायात की और आज़ादी की। तो कहीं ना कहीं ये चार पांच चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जब भी आप पेपर टू में मान लीजिए लोकतांत्रिक सरकार पे क्वेश्चन आता है तो आप ये चार पांच पॉइंट को बहुत छोटे में लिख के आराम से क्वेश्चन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला, भागीदारी। ठीक, किससे? दो चीज़ों में, जो रुचि लेते हैं, दूसरा जो आलोचना करते हैं। विवादों का समाधान, समानता और न्याय, तीन बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उसी को आप कई पार्ट में तोड़ सकते हैं और एक बहुत बढ़िया से उत्तर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारी अगली इकाई आती है जो है तीसरी इकाई, जिसका नाम है स्थानीय सरकार और प्रशासन। देखिए, क्लास सिक्स की एनसीईआरटी यहाँ पे हमें बहुत बेसिक बात बताती है कि जो स्थानीय सरकार है उसको तीन भाग में बांटती है। पहला है पंचायती राज, दूसरा है गांव का प्रशासन और तीसरा है नगर प्रशासन। किसकी बात करती है? नगर प्रशासन। अब देखिए, पंचायती राज में वो बताती है कि जो पंचायती राज है उसमें ग्राम सभा, ग्राम सभा कैसे बनती है? क्योंकि जो पंचायती राज होता है, जो ग्राम होता है, ग्राम में कई वार्ड होते हैं, वो लोग अपना पंच प्रतिनिधि चुनते हैं। वो पंच प्रतिनिधि मिलके क्या चुनते हैं? मुखिया, जिसका नाम होता है सरपंच, और यही क्या करता है? पूरा निर्णय लेता है। सरकार की तरफ से सचिव भेजे जाते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, एक स्तर बनाया गया है ग्राम सभा का। वही ग्राम सभा क्या करती है? निर्णय लेती है, तब पंचायती राज आगे बढ़ता है। ऐसा क्लास सिक्स की एनसीईआरटी कहती है। और ये कहती है कि जो पंचायती राज है उसके कुल मिला के तीन स्तर हैं पंचायत के। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जो कि हमने देखा। दूसरा है स्तर विकास खंड, स्तर विकास खंड, और तीसरा है जिला परिषद। तो ये तीन स्तर इसने बताए हैं। किस चीज़ के तीन स्तर बताए हैं? ये बताए हैं पंचायत के, जो पंचायत राज है उसके तीन स्तर क्लास सिक्स के एनसीईआरटी में बताती है, जो कि सही बात है। ठीक, इतनी बेसिक्स ही है। अब इसी में ना बहुत सारी कहानियाँ जोड़ी गई हैं कि ग्राम सभा कैसे चुनी जाती है ये, लेकिन हमें वो जानने का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है ये भी उतना कुछ खास है नहीं हमारे लिए, लेकिन ठीक है, कह रही है तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। ठीक, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग गाँव के प्रशासन की। देखिए, गाँव के प्रशासन में मुख्यतः दो ही लोग होते हैं जो मुख्य भूमिका में होते हैं। एक तो पुलिस, जो थाना क्षेत्र होता है, और दूसरा राजस्व विभाग का काम, जैसे जमीनी रिकॉर्ड है ना, क्योंकि खेत खलियान है, बाग हैं वगैरह हैं, तो ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं लेखपाल, तो लेखपाल का बहुत बड़ा काम होता है ग्रामीण प्रशासन में। ठीक, तो कुल मिला के दो बातें ध्यान रखिएगा, पहला पुलिस थाना और दूसरा राजस्व विभाग, ये मेन गांव के प्रशासन होते हैं। अगली बात करें नगर प्रशासन की, तो ये कहता है कि एक तो निगम परिषद होते हैं और दूसरा नगर निगम होता है। तो ये दो बातें,
निगम परिषद तो नगर निगम के अंदर ही आता है, तो सीधी सी बात है। तो ये जो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है वो हमें स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार के बारे में तीन बातें बताती है। वो तीन बातों में अलग अलग बातें उन्होंने कहानी के रूप में बताई है, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन बातें हैं, ठीक, जो हमें जानना है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे। अगली इकाई है चौथी और अंतिम इकाई, इसको उसने दो चैप्टर में बांटा है। पहला ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और दूसरा है शहरी क्षेत्र में आजीविका। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बताइए ग्रामीण क्षेत्र की जो आजीविका है वो किस पे निर्भर रखती रही है? सीधी सी बात है, कृषि पे। अब कृषि में बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना, सीधी सी बात है, बुआई से लेके कटाई और तक और भंडारण तक की बात। तो उसके अलग अलग स्टेप में अलग अलग नौकरियाँ मिलती हैं। बुआई के समय में अलग बात होगी, कटाई के समय में अलग बात होगी, भंडारण के समय अलग बात होगी, उसके बाद उसको ले जाके मंडी तक बेचने की बात अलग होगी। तो ये सब चीज़ें कृषि में ही आती हैं, ठीक। उसके बाद हस्तशिल्प, शिल्प आप भी जानते हैं गांव में हस्तकला काफ़ी पुरानी रही है भारत में, तो यह भी क्या है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत है। आज भी जानते होंगे अगर आप गाँव जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी कलाकृतियाँ या कुछ बनाते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं पशुपालन, ये भी मुख्य कार्य है, मुख्य आजीविका का साधन है गाँव में। अगला है मछली पालन या छोटे व्यापार, जैसे आप जानते हैं स्थानीय बाजार होते हैं, तो स्थानीय बाजार में आपको कौन मिल जाएगा? बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार मिल जाएंगे, कुछ बड़े दुकानदार भी मिलेंगे जो उन बेसिक आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं जो उस ग्रामीण परिवेश में जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाओं के साधन, ठीक। अगर देखिए मुझे तो नहीं लगता कि इतने इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ अगर आपको कहीं भी कोट करना है एसे वगैरह में तो आप इसको ध्यान में रखिए, और सबको ये सब बातें पता होती है, बस पढ़ लेने से क्या होता है वो दिमाग में चलता रहता है और फटाक से आप उत्तर लिख पाते हैं। वहीं बात करें शहरी क्षेत्र की में आजीविका की, तो वहाँ पे देखिए कुछ बातें ध्यान रखना है। पहला बड़े बाजार होंगे, सीधी सी बात है, यहाँ छोटे बाजार हैं तो यहाँ बड़े बाजार हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी, कार्यालय होंगे, उद्योग होगा, बेहतर चिकित्सा होगी, शिक्षा होगा, अन्य छोटे बड़े कार्य होंगे। यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सामुदायिक केंद्र होंगे, ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होगी ग्राम में, है ना, क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, वो ऋण देने का काम करता है। एक ग्रुप बना दिया गया, उनको ऋण दिया जाएगा, वो क्या करेंगे सबको में बांट लेंगे। तो ऐसे करके ग्रामीण की आजीविका चलती है। लेकिन शहर में बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, ठीक, वो क्या करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य छोटे बड़े जो रोजगार हैं या जो बड़े बड़े या छोटे फैक्ट्री हैं, बाजार हैं, उद्योग हैं, उनको ऋण देते हैं। लेकिन गाँव में ज़्यादातर जो ऋण जाता है वो छोटे बैंकों के द्वारा, जैसे ग्रामीण बैंक, या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहायता से जो हमारा विकास बैंक है वो काम करता है, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि जो क्रेडिट का काम है, जो ऋण का काम है, वो चलता है, ठीक है। तो ये रही हमारी क्लास सिक्स की एनसीईआरटी। उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेज दूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें सिर्फ कहानी आपको मिलेगी, जो ठोस बातें हैं वो यही हैं, ठीक है। अगला सेशन क्लास 7 के एनसीईआरटी जल्द लेके मिलेंगे आपसे। अगर उम्मीद है पसंद आया हो तो वीडियो आप लाइक ही करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।